अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टैली प्राइम के इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि टैली प्राइम में क्रेडिट नोट वाउचर क्या है और उसमें सेल्स रिटर्न के ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में आपने जाना कि डेबिट नोट वाउचर क्या है और उसमें परचेज रिटर्न के ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में समझ लेते हैं। जब किसी भी कारण से कस्टमर सप्लायर से खरीदे गए माल को सप्लायर को ही पूरा या आंशिक रूप से वापस कर देता है तो सप्लायर के लिए ये सेल्स रिटर्न कहलाती है और इसके ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सप्लायर द्वारा क्रेडिट नोट वाउचर का उपयोग किया जाता है। इस तरह के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय जो भी माल वापस हुआ है सप्लायर द्वारा उसे सेल्स में से कम किया जाता है। यही कारण है कि सेल्स रिटर्न का अकाउंट सेल्स अकाउंट्स ग्रुप के अंतर्गत ही बनाया जाता है। इसके अलावा यदि सप्लायर द्वारा बेचे गए माल में कस्टमर कोई शिकायत करता है और सप्लायर उन कारणों से सहमत होकर भरपाई के रूप में कस्टमर को कुछ छूट देता है तो इस तरह की छूट को भी सप्लायर द्वारा क्रेडिट नोट वाउचर में रिकॉर्ड किया जाता है। क्रेडिट नोट वाउचर के इस उपयोग को हम आगे जीएसटी के साथ समझेंगे। यहां आपको फिर से याद दिला दें कि परचेज वाउचर वाली वीडियो में हमने बताया था कि परचेज वाउचर सेल्स वाउचर डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर मुख्यतः माल यानी गुड्स से संबंधित हैं। साथ ही इन चारों वाउचर्स में समान रूप से उपयोग होने वाली कई जानकारियां भी दी थी। उन सभी बातों को अच्छे से समझने के लिए पहले परचेज वाउचर वाली वीडियो जरूर देख लें। आइए अब सेल्स रिटर्न का एक ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। हमने मोहन ट्रेडर्स को इनवॉइस नंबर 2 डेटेड 31 जुलाई 2020 को 2,58,000 रुपए का माल बेचा था, जिसमें से सोनी टीवी 20 इंच वाला जो कि 24,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से बेचा था, उसके एक नग की स्क्रीन खराब होने से मोहन ट्रेडर्स ने उसे 31 जुलाई को ही हमें वापस कर दिया। यहाँ टैली में हमने अपनी कंपनी ओपन की हुई है और हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। अकाउंटिंग वाउचर के लिए वी प्रेस करें, फिर क्रेडिट नोट वाउचर के लिए या तो ऑल्टर और F6 प्रेस करें या फिर राइट साइड बटन बार में यहाँ पर क्लिक करें और अब यहां से क्रेडिट नोट पर क्लिक करें। देखिए क्रेडिट नोट वाउचर क्रिएशन स्क्रीन आ गई है और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यदि ये विंडो एज वाउचर ओपन हुई हो तो चेंज मोड की सहायता से आइटम इनवॉइस कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, F2 की प्रेस करके डेट बदल लेते हैं। पार्टी अकाउंट नेम में उस पार्टी का नाम सिलेक्ट करें जिससे माल वापस आया है, यानी जो सेल्स रिटर्न कर रहा है। रिसीट डिटेल्स में जिस तरह से माल वापस हुआ है उसकी डिटेल्स दें। अब यहां नीचे ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल्स में ओरिजिनल इनवॉइस नंबर के आगे अपना वो बिल नंबर टाइप करना है जिसका माल कस्टमर ने हमें वापस किया है। उसके बाद यहां अपने बिल की तारीख टाइप करें, एंटर प्रेस करें। देखिए पार्टी डिटेल्स वाली विंडो आ रही है। यदि आपको इसमें कोई चेंजेस करना हो तो कर लें, हमें कोई चेंजेस नहीं करना है इसलिए हम कंट्रोल और A की प्रेस करके आगे बढ़ रहे हैं। लेजर अकाउंट में हमें सेल्स रिटर्न का लेजर सिलेक्ट करना है। यदि ये लेजर बना हुआ नहीं है तो सेल्स अकाउंट्स ग्रुप के अंतर्गत बना लें। नेम ऑफ आइटम में उस आइटम का नाम सिलेक्ट करें जो आइटम वापस आया है। यहाँ पर वापस आई हुई क्वांटिटी टाइप करें। यहाँ पर जिस रेट से माल बेचा था वो रेट टाइप करें।
यदि पार्टी ने एक से ज्यादा आइटम्स वापस किए हैं तो इसी तरह सभी आइटम्स को एक एक करके सिलेक्ट कर लें और आखिर में एंटर प्रेस करते हुए एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट कर लें। इसके बाद नरेशन में माल वापस आने का कारण टाइप करें। अब एंटर प्रेस करते हुए वाउचर को एक्सेप्ट कर लें। आइए अब हम सेल्स रिटर्न का एक ट्रांजेक्शन तेजी से रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमने एसके ट्रेडर्स को इनवॉइस नंबर 1 डेटेड 1 जुलाई 2020 से 1,20,000 रुपए का जो माल नगद बेचा था उसमें से सोनी टीवी 30 इंच वाला जो कि 35,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से बेचा था उसके एक नग की बॉडी क्रैक होने से एसके ट्रेडर्स ने उसे 31 जुलाई को हमें वापस कर दिया और हमने उसे सेल्स रिटर्न के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 35,000 रुपए का चेक दिया। ये क्रेडिट नोट वाउचर क्रिएशन विंडो आइटम इनवॉइस मोड में पहले से ही ओपन है। F2 की प्रेस करके तारीख बदल लेते हैं। पार्टी अकाउंट नेम में यदि हम उस पार्टी को बाद में पेमेंट करने वाले हैं तो उसका अकाउंट सेलेक्ट करना होता है और यदि हम माल वापसी के साथ ही कैश पेमेंट कर रहे हैं तो पार्टी अकाउंट नेम में कैश अकाउंट सेलेक्ट करना होता है और यदि बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना होता है। हमने उसे हाथों हाथ चेक दिया इसलिए यहाँ हम अपने उस बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे जिसका हमने चेक दिया। रिसीट डिटेल्स में जिस तरह से माल वापस हुआ है उसकी डिटेल्स दें। अब यहाँ नीचे ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल्स में ओरिजिनल इनवॉइस नंबर के आगे अपना वो बिल नंबर टाइप करें जिसका माल कस्टमर ने वापस किया है। उसके बाद यहाँ पर अपने बिल की तारीख टाइप करें। अब एंटर प्रेस करें। देखिए पार्टी डिटेल्स वाली विंडो आ रही है। यहाँ बायर्स डिटेल्स जरूर देना चाहिए जिससे भविष्य में भी हम ये आसानी से याद कर सकें कि ये माल किससे वापस आया था। लेजर अकाउंट में हमें सेल्स रिटर्न का लेजर सिलेक्ट करना है। नेम ऑफ आइटम में उस आइटम का नाम सिलेक्ट करें जो वापस आया है। यहाँ पर क्वांटिटी टाइप करें। यहाँ पर जिस रेट से माल बेचा था वो रेट टाइप करें। यदि एक से ज्यादा आइटम्स पार्टी ने वापस किए हैं तो इसी तरह सभी को एक एक करके सिलेक्ट कर लें और अंत में एंटर प्रेस करते हुए एंड ऑफ लिस्ट सिलेक्ट कर लें। ऐसा करते ही बैंक अलोकेशंस विंडो आ जाएगी। आपने पार्टी को जिस तरह से पेमेंट किया है ट्रांजैक्शन टाइप में उसका प्रकार सिलेक्ट करना होगा। उसके लिए पहले स्पेस बार प्रेस करें। अब लिस्ट में से ट्रांजैक्शन का प्रकार सिलेक्ट करें। हम चेक सिलेक्ट कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट नंबर में उस चेक का नंबर टाइप करें जो हम कस्टमर को दे रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट डेट में चेक की तारीख टाइप करें। इसके बाद नरेशन में माल वापस आने का कारण जरूर टाइप करें और एंटर प्रेस करते हुए वाउचर को एक्सेप्ट कर लें। इस वीडियो में हमने क्रेडिट नोट वाउचर में सेल्स रिटर्न के ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये आपको बताया। इसके बाद वाली वीडियो में हम बताएंगे कि जर्नल वाउचर क्या है और उसमें ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों हर वीडियो में हम कुछ नई बातें विस्तार से बताते हैं
और बाद में उनका शॉर्ट में उपयोग करते हैं। यदि आप चाहते हैं कि कुछ उपयोगी सीखने से आप वंचित ना रह जाएं, तो कृपया सभी वीडियोस को क्रमानुसार ही देखें।